मंगलवार 9 मई 1989 लंदन। वो देखो वहां बैठी है, ना हिलती है ना बोलती है। मैडम आप ठीक तो है ना? पुलिस कांस्टेबल ओ'कॉनल। मैडम हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैं मर गया। जल्दी किसी डॉक्टर को लेकर आओ। ठीक है अभी बुलाती हूँ। मुझे मारना चाहती है। माय गॉड। शुरुआत सर यहां से हुई थी। विक्टिम बिस्तर से कूदा और सीढ़ियों से उतरकर भागा और रास्ते में जिस चीज को भी छुआ उसमें आग लगती गई और वह चीखता चिल्लाता रहा और आखिर में बाहर जाकर लॉन में गिर पड़ा। अच्छा तो हुआ यह कि कोई आदमी टीवी देखते हुए सो जाता है और जलती हुई सिगरेट से खुद को जलाकर राख कर लेता है। मामला सुलझ गया, अब मैं जाऊं? पहले मैंने भी यही सोचा था मगर आप जरा फिर से देखेंगे? इसे सुनकर आपको क्या लगता है सर? उसकी बीवी कहां है? मैडम मैं एक मिनट में आई। थोड़ी सी चाय पी लीजिए। बहुत मुश्किल होती होगी ना, लड़के बड़े शरारती होते हैं। मेरा नाम जेम्स है और आपका नाम क्या है? ठीक है अगर आप नहीं चाहती तो बताने की कोई जरूरत नहीं। किरण कुछ कहा? मेरा नाम किरण। की होया कुड़िया कुछ बोल, तेनू हो की गया है? किरणजीत What wrong with her? Is she hurt? आप कौन है? किरण की सास। Who you? किरणजीत अलुवालिया, Mrs. अलुवालिया। मैं डिटेक्टिव सार्जेंट मायर्स हूँ, आपको मेरे साथ आना। डिटेक्टिव सार्जेंट मिसेस अलुवालिया प्लीज। किरण इन्हें की चाहिए था? मम्मी किरणजीत, किरणजीत उसे कहाँ ले जा रहे हैं? तो आप कुछ पीना चाहेंगे? पानी या चाय? ठीक है अलुवालिया, पूछताछ टेप की जा रही है और इस वक्त 10:38 हुए हैं Tuesday 9th May 1989। मेरा नाम डिटेक्टिव सार्जेंट मायर्स है और कमरे में पुलिस कांस्टेबल जेम्स ओ'कॉनल भी मौजूद हैं जो पूछताछ के गवाह हैं।
मिसेस अहलूवालिया अच्छी तरीके से जानती हैं कि यह पूछताछ की जा रही है बिना किसी सॉलिसिटर की मौजूदगी में। मिसेस अहलूवालिया, पिछली रात आपके घर में आग लगी थी, आपके पति बुरी तरह से जल गए थे। क्या आप जानती हैं वो आग कैसे लगी थी? मैम, आपके पति ने आपके ऊपर बहुत ही संगीन इल्जाम लगाया है, आप समझ रही हैं? आपको कोई ट्रांसलेटर चाहिए जो पंजाबी जानता हो? पूछताछ सुबह 10:39 को खत्म की जा रही है फिलहाल। बाहर चलो, चलो। कांस्टेबल, तुम्हें पता है पूछताछ के गवाह होने का मतलब क्या होता है? माफी चाहता हूं सर, पर मैं सोच रहा था बयान लेना आसान हो जाएगा अगर उसे हमारे सवाल समझ में आ जाए। तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन के कितना वक्त हुआ है? 3-4 महीने? 6। ओह, 6। और इससे कितना फर्क पड़ता है ना? तुम्हें इतना तजुर्बा हो गया कि जाहिर है तुम्हें लगता है मुझे बता सको कि मैं अपना काम कैसे करूं। मेरे ख्याल से आपको किसी सीनियर ऑफिसर को अंदर रखना चाहिए सर। देखो दोस्त, ये उनका नाटक है, ठीक है? सैकड़ों बार पाला पड़ा है मेरा इन लोगों से। ये लोग तुमसे भी बेहतर बयान दे सकते हैं, मगर जब ये किसी कानूनी दावपेच में फंसते हैं तो अपनी जुबान में बकवास करते हैं। पंजाबी? क्या वो सिर्फ पंजाबी समझती है डिटेक्टिव सर्जेंट? हाँ, तुम तो वाकई स्मार्ट हो नौजवान। हाँ, देखो दोस्त, इन लोगों को मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, इसे मुझे अपने ढंग से निपटने दो, तुम मुंह मत खोलना। एक बात कहूं, मैं कमांडर से तुम्हारे प्रमोशन की बात करूंगा, अब तो खुश हो ना? शाबाश। अहलूवालिया पूछताछ फिर से हो रही है, May 9, 1989। वक्त है 10:42 सुबह के। इनमें से किसी तस्वीर को पहचानती हैं? पहचानती तो जरूर होंगी, क्योंकि तीनों तस्वीरें आप ही के घर पे खींची गई थी। मिसेस अहलूवालिया, वो आग, वो कोई एक्सीडेंट तो नहीं था ना? था या नहीं? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ठीक है, बोला नहीं चाहती ना? मैं बताता हूं क्या हुआ था। उसके सोने तक तुमने इंतजार किया, फिर चुपचाप तुम कमरे में घुसी। उसने पी रखी थी, इसलिए उसे महक भी नहीं आई जब तक तुमने वो कैंडल नहीं फेंकी। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स उस पेट्रोल कैन पर भी हैं और उस बाल्टी पर भी हैं। तो वो कौन था और क्या था, हम जान गए। हम सिर्फ ये नहीं जानते कि क्यों। तो बोलो डियर, तुम सच बताओ या नहीं? क्यों, क्यों किया तुमने? किरण, घबराओ मत। जानता हूं तुम डरी हुई हो, मगर यहां तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि उस रात क्या हुआ था। मुझे बच्चों से मिलना। देखो, अपना बयान दे दो और तुम बच्चों के पास घर जा सकती हो। गुनाह का इकरार तो नहीं? लेकिन इनकार भी तो नहीं किया उसने, वही दोषी है, बिल्कुल साफ है उसी ने किया है। मगर वो ऐसा क्यों करेगी? क्या पता उसने कोई कड़वी चीज खा ली होगी या फिर। बस इतना काफी होगा सार्जेंट, इल्जाम लगाने के लिए बहुत है, उसे हिरासत में ले लीजिए। आज की ताजा खबर, औरत ने पति को जिंदा जलाया, औरत ने पति को जिंदा जलाया, हिंदुस्तानी औरत ने पति को जिंदा जलाया, हिंदुस्तानी औरत ने पति को जलाया।
Hey, ये कॉपियर तो मेरा है। हाँ, आपका था, अब ये बैंक का है। क्या? इसके बगैर ही काम चलाइए। जमीला, ये सब क्या हो रहा है? हाँ? जानती हूँ, फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। जेरॉक्स मशीन के बगैर हम पोस्टर्स कैसे बनाएंगे? वो मैं अपने भतीजे से बनवा लूंगी, कम से कम मेरे दीवारें तो खराब नहीं करेगा। वेरी फनी। इतनी बड़ी बात नहीं है राधा, ऐसे वक्त ले गए जब उसकी हमें सख्त जरूरत थी। क्या मतलब? देखो, ये है हमारा अगला केस। इतनी जल्दी ढूंढ लिया? अभी अभी लंदन में कदम रखते ही तुम्हें केस भी मिल गया। शट अप आशा, तुम मजाक कर रही हो। हम यहाँ लाचार औरतों की सहायता के लिए हैं, ना कि कसूरवारों के लिए। वही तो मैं कह रही हूँ। पता कि वो बेकसूर थी। ये बताओ, कोई अपने पति को भला क्यों जलाएगा? क्योंकि जलाने के लिए कोयला नहीं था। हम हर वो केस नहीं ले सकते क्योंकि वो तुम्हें पसंद है। वैसे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं है। और फिर उसने वकील भी तो कर लिया है। फैक्स मशीन कहाँ गई? चलो चलो, सब लोग बाहर निकलो, बहुत काम पड़ा है। ठीक है, नाम पुकारने पे हाजिरी लगाना। एडम सबरीना। हाँ। वाला लिया किरणजीत, कितना लंबा चौड़ा नाम है। अबे साली, जवाब देना। अगली बार जोर से। ब्लेयर जैकलिन। हाँ, मैं ही हूँ। फिर से आ गई। मेरा मायका जो है। रॉबर्ट जिनाइना। जी हाँ। चलो अब अंदर चलो, चलो चलो, जल्दी करो। अब गौर से सुनो, ये जेल के कायदे कानून की किताब है। तुम्हें जो भी जानना हो इसमें लिखा है, इसे हमेशा साथ रखना। वहां बैठो। आलू, तुम अंदर जाओ। सब कुछ जमा करो प्लीज। अपने गहने उतारो प्लीज। वो सब भी अब अपने कपड़े उतारो प्लीज। कम ऑन, और भी हैं बाहर, चलो कपड़े उतारो।
क्या प्रॉब्लम है? 10 साल हुए मेरी शादी के, कभी कपड़े नहीं उतारे, हस्बैंड के सामने भी नहीं। ये जेल के रूल्स हैं। प्लीज। ओके, तो एक एक करके उतारो। पहले सलवार, स्वागत है लड़कियों। ये रंग पहले वाले से अच्छा है। ब्लेयर अंदर जाओ। तुम नहीं महारानी, मेरे पीछे आओ। लेके आयो उन्हें दस्ता। जरा रुको तो, एक मिनट। ओके रेडी। हेलो जी, फराज तुम्हारे लिए ते हमारे बच्चे वास्ते। कहाँ खो गई हो तुम? जाओ अंदर। दिन चढ़ाया, जन्नत की नहीं सुबह। डरो मत। आप कौन? तुम्हारी जेल में नाम है रॉनी। तुम्हें क्या लगा ये 5-स्टार आराम तुम्हारे अकेले के लिए है? कोई नाम है तुम्हारा? नाम बताओगी या मैं कोई नाम रख दूं? किरण। किरण, तुम नाश्ते पर नहीं थी, सोचा तुम्हें भूख लगी होगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वाओ,
ये सब कैसे हुआ? ओह, तो खर्चा कितना हुआ? कुछ नहीं, लेकिन हर महीने 15 पाउंड और देना पड़ेगा। 15 पाउंड कहाँ से भरेंगे इतने सारे पैसे? चाय? इतना तो करना ही पड़ेगा। देखो, इस बार वो बहुत सीरियस हैं। आइंदा समझदारी से काम करना होगा। यार, तुम लोगों को क्या पता कि मैंने इस जगह की लीज बढ़ाने के लिए क्या क्या किया है? और बैंक तो आइंदा नुकसान वाली कंपनी की मदद नहीं करेगी, ये उनकी फिलॉसफी के बिल्कुल खिलाफ है। शुक्र है आप किराएदारों के वकील हैं, ना कि कोई बैंकर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ऐसा कब तक चलेगा आदर्शों की खातिर नुकसान का सौदा? यही मान लीजिए कि आदर्शों का कभी कोई सौदा नहीं होता। फिर उपदेश देना शुरू कर दिया? शट अप अनिल। थैंक यू मिसेज अलुवालिया। मैं हूं क्रिस जोन्स, आपका लीगल एड सॉलिसिटर। आप हैं मिस मेरियम टेलर, जो आपकी वकालत करेंगी। हम आपकी सास के घर से आपके लिए कुछ जरूरत की चीजें लाए हैं। तो हम सीधे काम की बात करें। आपने पुलिस को बगैर वकील बयान दे दिया, ये तो आपने अच्छा नहीं किया। मुझे अपने बच्चों से मिलना है। हाँ, वो आपकी सास के साथ हैं, इसके लिए आपको उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। घर कब जा सकती हूँ? मिसेज आलूवालिया, आप पर कत्ल की कोशिश का इल्ज़ाम है। वैसे अभी तो आप हिरासत में हैं, मगर जुर्म साबित हो गया तो आपको एक लंबे अरसे तक यहाँ रहना होगा। आपने ऐसा क्यों किया? मैं डरती थी। किससे? अपने पति से? लेकिन क्यों? मिस्टर जोन्स, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर बैठेंगे प्लीज? हाँ जरूर, एक्सक्यूज मी। ये उसने किया उस रात? हर रात। मिसेज आलूवालिया, मुझे आपसे बेहद हमदर्दी है, लेकिन सच तो यह है कि आपके पति बेखबर सो रहे थे जिस वक्त आपने उन्हें जला दिया, और उस वक्त तो आपको उनसे कोई खतरा भी नहीं था। कानूनन तो हम आत्मरक्षा का दावा नहीं कर सकते। मैं कोशिश करूंगी। जल्दी करो, 3 का शो है। नो येल, मैं आ रही हूँ। प्रिटीना, सेल विच लिखती है। यू लाइक? अकी पाया है। गोरी कुड़ियां दी कॉपी ना करया कर, बकवास लगता। पर मैं इसी वक्त कपड़े बदल कर आओ। जाओ, सुना नहीं तुमने? जाओ फौरन। राजीव,
संदीप रोटी तैयार है। हेलो, आपके लिए मलवुर हॉल वुमेन्स प्रिजन से कॉल है, क्या इस कॉल का आप चार्ज देंगी? हो गया तो फिर हटो, दूसरे भी लाइन में है। Who's on the phone, Grandma? कोई नहीं, छेती मुंह हाथ धोलो तो रोटी खाओ। बीफ मैं नहीं खाती। कोई बात नहीं, तो इसमें से बोटी निकाल दो तो ये वेज हो गया। हिंदुस्तानी गुड़िया को भूख लगी गई। खाना इधर का बहुत अच्छा है तो, मगर भाभी जी इससे भी अच्छा खाना पका दोगे क्यों? आप घर आइए ना खाना खाने। ओ, जरूर, मगर आज ये दावत मेरी ओर से नए जोड़े के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब अगला गाना सुनेंगे जिसे डेडिकेट किया है मिस्टर रवि शर्मा ने अपने मेहमानों के लिए, मिस्टर एंड मिसेस आलूवालिया। यार तू भी बस कमाल करता। अच्छा, कम ऑन मैन, अपनी खूबसूरत दुल्हन के साथ डांस करो। नहीं यार, मैं डांस वांस नहीं करता। कम ऑन, अगर किरण चाहती है तो तुम दोनों कर लो। नो, तो ठीक है, कोई गल नहीं, कम ऑन, आपके हस्बैंड को इतराज नहीं। मैं? हाँ जी, हम भी देखें। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने, ओ तेरी रब ने बना दी जोड़ी, सुहाता याना कर यारा, ओ यारा, ये बोले जोगी का एक तारा। तुम और रवि काफी घुल मिल गए। नाइस मैन, मजा किया है। वो तो जैसे फिदा हो गया तुम पर। छट्टू जी, वो तो एवे तारीफ करिया सी। तुम जैसे फ्लर्ट कर रही थी उसके साथ, तारीफ तो करेगा ही। फ्लर्ट? एक डांस ही तो कीता, वो भी तुम्हारे कहने तो। सम वाटर? तुम्हें रवि से ब्याह करना चाहिए था, शायद तुम्हें वो ही पसंद है। चीची, बच्चिया वाली गला ना करो। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, आई लव यू सो मच। मैं तन्नू किसी और के साथ नहीं देख सकता। ओह गॉड, किरण मुझे माफ कर दे। Sorry.
आंखें फाड़ फाड़ के क्या देखते हैं? सॉरी, मैं जाती हूँ। आगे से इसका ख्याल रख, समझी क्या? तेरे जैसी बुलबुल ऐसे जंगल में, वो भी बिना किसी यार के, कुछ घुसा क्या भेजे मैं? सोच समझ कर नजर मिला, नहीं तो तेरी बैंड बच जाएगी। आप उनका हफ्ता है, याद रखना, सबको देना मांगता है। वैसे तुम्हें और एक्स्ट्रा केक क्यों चाहिए डोरीन? अपनी कमर देखिए, जो कमरा हो गई है। ए चल चल, तू टांग मत अड़ा। नहीं, यूं ही सोच रही थी, अगर मेरा थोबड़ा तेरे जैसे होता तो मॉडलिंग कर लेती, थोड़ा पैसा बनाती। तू खुद को बहुत शाड़ी समझती है क्या? कुछ लोगों के मुकाबले। तो फिर कान खोल कर सुन ले चिकनी, अब तेरे को भी आगे से हफ्ता देना होगा। ठीक है, ये ले हफ्ता। हफ्ता वापस। क्या कर रही हो रोनी? फिर वही, लगता है तुम्हें अकेले रहना पसंद है। हाँ, बहुत पसंद है। ये लीजिए। थैंक यू। प्लीज बैठ जाइए, वो अभी आ जाएंगी। जी। हाय, नमस्ते। मैं हूँ राधा दलाल। आपने सुना है साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स? ये लीजिए, इसमें आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। रखिए ना। हम एक सपोर्ट ग्रुप हैं औरतों की मदद के लिए, ऐसी औरतें जिनके पति उन पर जुल्म करते हैं। आप बोलती हैं पंजाबी? नो, समझती हूँ, लेकिन हाँ, कभी था एक पंजाबी बॉयफ्रेंड। किरणजीत, आपकी मैं मदद करना चाहती हूँ। यहाँ कैसा सुलूक हो रहा है, कहिए ना कुछ। आजाद, लगता है आजाद। सोमवार 15 मई 1989। क्या? हाँ, संभालो अपने आप को। जानता हूं ये बुरी खबर है, पर हमारी प्रॉब्लम और पेचीदा हो गई है। तुम्हारी सजा की मियाद कम हो सके, इसलिए मैंने प्रोसिक्यूशन से तुम्हारे लिए रियायत की सिफारिश भी की, लेकिन अब क्योंकि तुम्हारे पति मर चुके हैं किरण, वो तुम पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। अगर दोषी ठहराई गई तो तुम्हें उम्र कैद हो जाएगी। पुले को गुर मारक पाया, अवर त्यागर भक्ति लाया, जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुर पूरे की बेअंत बढ़ाई, गुर प्रसाद द्रुत कम विगास, अंधकार में पिया बरगास, जिन किया सो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुगत मन मानिया। सोनी लग गई है। मैं उन्हें जानती तक नहीं। जानन की जरूरत है? ए लंदन च मेरे तेवर दा बहुत अच्छा दोस्त है, ते तेरा चंगा ख्याल रखेगा। पर दीदी, मेरी पढ़ाई दा की होएगा? तेनू किन्ने रोके? उन्हें इतराज भी नहीं। नाम
सोमवार 4 दिसंबर 1989। ये मरहूम दीपक आलूवालिया की पैथोलॉजी रिपोर्ट की एक कॉपी है। तो कोर्ट को बताइए कि आपको क्या मिला। उस पेट्रोल में कई दूसरे केमिकल्स की मिलावट पाई गई थी जो विक्टिम पर डाला गया था, खासकर कॉस्टिक सोडा, जिससे वही रिएक्शन हुआ जैसे अक्सर होता है नेपाम में। कुछ समझा नहीं मैं। इसकी वजह से पेट्रोल जिस्म से चिपका रहा और बदन काफी देर तक जलता रहा, यहां तक कि उस विक्टिम का मांस उसकी हड्डियों पर ही पक गया था। थैंक यू डॉक्टर। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कोर्ट को एग्जिबिट ए दिखाना चाहूंगा। ग्रांटेड। मंगलवार 5 दिसंबर 1989। शीला आलूवालिया, आपको बुलाया है। मिसेज आलूवालिया, आपकी राय में आपकी बहू किस तरह की औरत है? बहुत ही घमंडी, दीपक पर हमेशा हुक्म चलाती थी। बचाव वकील का कहना है कि आपका बेटा अक्सर आरोपी को मारा पीटा करता था। क्या उस तरह का वाक्य आपके सामने भी हुआ था? अगर तेल ठीक नाल गरम ना होए ते पकोड़ा बाहरों जल जांदा है ते अंदरों कच्चा रह जांदा है। ले, कोई मुश्किल नहीं। दफ्तर फोन क्यों किया? दीपक, तू इत्थे की कर रहे है? दफ्तर फोन करके अने शर्मिंदा किया मुझे। तुसी अपनी बेइज्जती आप करा दियो। चुप। पाजी चीट हुई, कोई ना जांदा है। उदी यार ने गार फोन करके धमकियां दी थी। मेरी मां का बीच में मत ला। नहीं, कुछ नहीं देखा। मैडम, क्या ये सच नहीं है कि इसी साल आपका बेटा आरोपी और उनके दो बच्चों को छोड़कर आपके घर रहने आ गया था? मगर इसने मेरे बेटे को निकाल दिया था। राइट, क्योंकि वो घमंडी थी, है ना? और हुक्म भी चलाती थी ना? वो दीपक से नौकरों जैसा सुलूक करती थी। माय लॉर्ड, एग्जिबिट सी के तौर पर हमने लेटर की एक कॉपी कोर्ट को दी है जो किरण ने अपने पति को लिखी थी जब उसने घर छोड़ा था। ये चिट्ठी पंजाबी में थी लेकिन एग्जिबिट के लिए उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है। क्या आप ये चिट्ठी अदालत के सामने पढ़ेंगी मैडम? इंग्लिश नहीं पढ़ सकती। मैं पढ़ सकती हूँ। दीपक, इफ़ यू कम बैक आई प्रॉमिस यू आई विल डू वट एवर यू से। आई वोंट ड्रिंक ब्लैक कॉफी, आई वोंट वॉच टेलीविजन। द चिल्ड्रन नीड यू, प्लीज कम होम। मिसेज आलूवालिया, क्या आपको लगता है ये किसी घमंडी औरत के अल्फाज हैं? बुधवार 6 दिसंबर 1989। अपनी गवाही में क्या कहना है सोच रखा है ना? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। हमारे सामने एक परेशानी आ गई। वैसे परेशानी कहना ठीक नहीं होगा, मैं ये कहूँगा कि हमें उनकी राय से इत्तेफाक नहीं है। किस बारे में? देखो, डिफेंस का दावा है कि जब उनके वकील को गिरफ्तार किया गया उस वक्त वो सदमे में थी, होशो आवाज खो बैठी थी, इसलिए अपने हक के बारे में अनजान थी। अरे वही सब बकवास जो ये सब दोगले वकील बोला करते हैं, और क्या। तो आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी गवाही में ये कहो कि जब तुमने उस लड़की को पहली बार उसके घर में देखा तब वो अपने पूरे होशोहवास में थी। लेकिन ये तो सच नहीं है सर। लेकिन तुम यही कहोगे, तुम्हारी भलाई इसी में कि जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। पीसी जेम्स ओकॉनल, अब आपकी बारी है। कांस्टेबल, मौकाए वारदात पर उस रात आप सबसे पहले पहुंचे थे ना? जी हाँ मैडम। जब आपने आरोपी को पहली बार घर के पिछवाड़े देखा तब उसकी दिमागी हालत कैसी थी? I'm sorry, सवाल समझ नहीं पाया। सवाल फिर सुन लीजिए। उस रात जब आपने मिसेस आलूवालिया को देखा तो आपको क्या लगा, वो अपने होशो आवाज खो बैठी थी या पूरे होश में थी?
मुझे लगा वो सतर्क थी और अपने पूरे होशो हवास में थी। क्या? हाँ झूठ बोल रहे हैं। इससे तो अच्छा उसे गली में घुसे खम्भे में लटका देता। तुम सबको बाहर निकलवा दूंगी। अब चुप रहो। बस और कुछ नहीं पूछना है। गुरुवार 7 दिसंबर 1989। डॉक्टर स्टिलमैन आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? आजकल मैं ग्रीन पार्क में खुद का क्लिनिक चला रही हूँ। और इससे पहले? 2 साल तक हाउंसलो एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सेंटर में थी। क्या आप आरोपी को पहचानती हैं? जी हाँ। ओके ठीक है, अब अपने कंधे से घुमाने की कोशिश कीजिए। घबराइए नहीं, मुझे देखने दीजिए। ओके, अच्छी खबर यह है कि कोई हड्डी नहीं टूटी, मगर आपको कई हफ्ते अपनी कलाई और कमर पर पट्टी बांधे रखनी होगी। आप बता रहे थे ये गिरने से हुआ था? जी हाँ। हमारा बच्चा अपने खिलौने हमेशा सीढ़ियों पे छोड़ देता है। मैं उसे कहता हूँ वहां मत रखो, पर बच्चे हैं। I understand। मिस्टर आलूवालिया, जब तक मैं आपकी पत्नी का चेकअप करती हूँ आप बाहर बैठ सकते हैं प्लीज। क्यों, क्या ये जरूरी है? वैसे भी आपको केस पेपर तो बनाने ही होंगे ना, तो इस बीच आप वो सब कर ले, तब तक मैं आपकी पत्नी को ठीक से देख लूं। नहीं, हम जरा जल्दी में बेटे को माँ के घर से ले। देखिए, इनका इलाज अच्छी तरह से होना चाहिए। अगर आप मिसेस आलूवालिया, क्या ऐसा कुछ है जो आप मुझे बताना चाहती हैं? डॉक्टर, क्या आपको पूरा यकीन है कि आरोपी पर जुल्म हुआ था? हाँ, मुझे यकीन है। शुक्रिया। और कोई सवाल नहीं? तुम्हें बताना ही होगा किरण, सब कुछ बताना होगा। मैं ठीक से बोल नहीं सकूंगी, सब हंसेंगे। तुम पर कोई हंसने वाला नहीं है, कोर्ट सारे इंतजाम करेगा। देखो किरण, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, बस एक ही उम्मीद है कि तुम्हें कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, ताकि कम से कम जूरी की औरतों को तुमसे हमदर्दी हो। नहीं कर सकते, इसमें कितनी शर्म है। क्या शर्म? शर्म आएगी? सच बोलते हुए तुम्हें शर्म आएगी? शर्म दीपक को आनी चाहिए किरण, तुम्हें नहीं। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। काउंसिल फॉर द डिफेंस, क्या और कोई गवाह है? डिफेंस को कुछ नहीं कहना योर ऑनर। तो ठीक है। मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी, अब आप केस के सभी सबूतों पर गौर करने जा सकते हैं। आपने बयान सुने कि मृतक दीपक आलूवालिया अक्सर आरोपी पर शारीरिक अत्याचार किया करता था, जो कि उसकी पत्नी है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनमें से कोई भी जख्म संगीन किस्म का नहीं था। आप इसी तरह शोर मचाएंगे तो मैं गैलरी खाली करवा दूंगा। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अत्याचार के 2 घंटे के बाद आरोपी ने अपने सोए हुए पति पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। यही एक ऐसी वजह है जिससे ना तो सेल्फ डिफेंस की अपील पर हम विचार कर सकते हैं, ना ही प्रोवोकेशन पर। अगर आप सबकी एक राय नहीं बनती तो मुझे बहुमत का फैसला मंजूर होगा। जूरी के फैसले तक अदालत बर्खास्त की जाती है। फैसला आज नहीं होगा, हो सकता है कई दिन लग जाएं। हमारे हक में भी हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं पाप की था, अब मुझे भुगतना तो पड़ेगा ही। क्या जूरी अपने फैसले पर पहुंच चुकी है? जी माय लॉर्ड। आरोपी खड़ी हो जाए।
क्या आरोपी को कत्ल के इल्जाम में जूरी के मुताबिक दोषी करार दिया जाए या नहीं? दोषी। क्या? What? लाया जा रहा है। वो दोषी नहीं है। समझे आप? वो दोषी नहीं है। ऑर्डर। शोर बंद करें वरना अदालत की तोहीन के जुर्म में गिरफ्तार करना होगा। क्या पागलपन है ये? साइलेंस। किरणजीत आलूवालिया, आपको कत्ल के इल्जाम में दोषी पाया गया है। आपको उम्र कैद की सजा दी जाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। सभी खड़े हो जाएं। सुहानी महक, तुम्हारी कोठी बदलते बदलते तंग आ गई हूँ, अब यही रहना। झूठ मत बोलो यार, तुमको ये सब अच्छा लगता है। दे दे चुम्मा। तुम नहीं जानती घूरना बदतमीजी होती है? क्यों? क्यों क्या? मेरी मदद क्यों की? मैं तो तुम्हारी कोई नहीं। पता नहीं, शायद दादागिरी से हमेशा नफरत रही है। ये देखो, प्रिजनर प्ले टाइम। हर रोज एक घंटा। दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आ गई। कितना अच्छा लग रहा है तेरे को देखकर। अरे तुम भी यार रोनी, सच में अजीब हो। तुम्हें काल कोठरी में रखा गया था सुधरने के लिए, खुद सुधरी उधरी या नहीं? और डोरीन तो तुमसे गले लगने के लिए तड़प रही है। अरे यार, ये छोटे मोटे लोग भी परवाह मैं थोड़ी करती। कष्ट तो देना। जानवर। किरण, ये मेरे दोस्त हैं, मेरी बहने यहाँ राजमहल में। ये है जैकी द ग्रेट। मिल चुके हैं, साथ साथ ही एंट्री ली थी। आते ही बेचारे को झाड़ दिया था मैंने। और ये है लवली लूला। लूला कैंटीन में काम करती है। कभी कोई स्पेशल चीज खानी हो तो इसे कह देना और तुम्हें मिल जाएगी। वेजिटेरियन हो ना? कोई फिक्र नहीं, तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। पर अगर नॉन वेज खाती तो थोड़ा बदन भर जाता। और आखिर में छुपा रुस्तम, हमारी ग्लैडिस। और तू तो जैसे खुला रुस्तम है। देखा, ग्लैडिस लॉन्ड्री में काम करती है, सबकी धुलाई करती है और हम इसके मिजाज पर मरते हैं। यहाँ क्या कर रही है? सॉरी, जाती हूँ। नहीं, तुम समझी नहीं। इसका मतलब है तुमने ऐसा क्या किया जो यहाँ हो, क्योंकि तुम मुजरिम तो लगती नहीं हो। बिकिनी वाली मॉडल लगती हो, देखा ना। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे लगा तुम जानती हो। मेरा ड्रग्स से पुराना रिश्ता है, समझी बेबी? इसने पड़ोसी का टीवी चुराया ड्रग्स खरीदने के लिए। रख के क्या उसमें अंडे सिकता? पास एक डीवीडी प्लेयर भी नहीं था।
और तुम? रोनिया की गुरु है, ये पति को टपका क्या ही है? किस लिए? खराटे लेता था। नहीं यार, झूठ है। मैंने उसे कहा अगर अगली बार मुझ पर हाथ उठाया तो वो आखिरी बार होगा। शायद उसे मेरी बात मजाक लगी। बेचारा। और तुम्हें कोई अफसोस नहीं है? नहीं, ये तो मुझे बरसों पहले करना चाहिए था। और ग्लैडिस के बारे में तो पूछना भी नहीं। ग्लैडिस अपने बारे में कुछ कहना पसंद नहीं करती, इसे बैड लक मानती है। क्योंकि दूसरों की तरह मुझे अपने घर की गंदगी बाहर वालों को दिखाने में मजा नहीं आता, पर दूसरों की गंदगी धोने में मजा आता है। कैसी हो किरण, तुम ठीक तो हो ना? अब जरा संभल गई हूँ, इस जगह की आदत हो रही है। ठीक है, मैंने इसलिए फोन किया कि जज ने सजा की मियाद सुना दी है। तुम्हें 12 साल की कैद हुई। इतनी साल तुम्हारी हिरासत के 6 महीने भी कम हो जाएंगे। इतनी साल मेरे बच्चों को देख नहीं सकूंगी। I'm so sorry। मुकदमे के दौरान मैं हर रोज आया करती थी। जिस तरह ये सब हुआ वो बहुत ही गलत था। क्यों मिलने आई है? तुम्हारी अपील में मदद करने के लिए। लेकिन एक वकील तो है। हाँ, बड़ा कमाल किया है ना उसने तुम्हारे लिए। तुम्हारी अपील पे काम शुरू भी किया, किसी से बात भी की अब तक? बोलो किरण, सजा के बाद कभी आई भी वो तुम्हारा हाल जानने? यही सोचा था। तुम्हारी अपील का वक्त अब निकला जा रहा है किरण, एक बेहतर वकील करेंगे, कोई ऐसा जो कुछ कर सके तुम्हारे लिए। किरण देखो, हमें एक मौका दो। आप सचमुच मेरी मदद करेंगे? हाँ, मेरे बच्चों को ले आइए प्लीज। नो, वो उनकी माँ है। जानती हूँ वो कौन है। वो जिसने मेरे बेटे को मारा। फिर कभी मत आना यहाँ। अरे पर प्लीज। Do you know, उसने दरवाजा यूं बंद किया कि मेरा अंगूठा तो कुचल ही जाता। शायद इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। क्या कह रही हो आशा, हम उसे यूं ही छोड़ दें और अंदर सड़ने दें उसे? यार कम ऑन, आखिर तुम कर भी क्या सकती हो? उसकी सास तो तुम्हें बच्चों के पास भटकने भी नहीं देगी, और वो बगैर कोर्ट ऑर्डर के तो बिल्कुल नहीं। तुम तो बड़ी कमाल चीज हो। हाय, इतनी जल्दी नहीं। लीजिए पढ़िए। की लिखी है? ये कोर्ट ऑर्डर है। यहाँ लिखा है आप बच्चों को मेरे हवाले कर दें ताकि वो अपनी माँ से जेल में मिल सके। और मैं ना कहूँ? ऐसा हुआ तो फिर उन्हें आपसे मिलने भी जेल आना पड़ेगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल सकते हैं। They're waiting, table 8. Mama, I missed you. नहीं है हाँ? हम फिर से आएंगे मम्मी से मिलने। देखो संदीप कितना अच्छा बच्चा है। ओ, नहीं। क्या हुआ? किरण ने हाँ कर दी। यस! चलो अंदर बैठो। चलो 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 बेटा बैठो,
संदीप तुम भी बैठो, गुड बॉय। कल है अपॉइंटमेंट उसके वकील के साथ 2 बजे। क्या बात कर रही हो, आखिर तुमने उस चुड़ैल को मना कैसे लिया? इस कोर्ट ऑर्डर से। क्या? पर ये तो किसी और केस का पुराना ऑर्डर है। हाँ, याद है तुम्हें उस दिन चुड़ैल को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हुई थी, तो मैंने चांस ले लिया। तुम बहुत चालाक हो। हे बेबी, अभी तुमने देखा ही क्या है। एक भी सही पत्ता नहीं आ रहा यार। चिट्ठियाँ। अमेस काला, ब्राइटन अमेंडा, स्कॉट वेरोनिका। यप, यस, थैंक यू। देखो उसे, जैसे बिल्ली को मिली मलाई। किसकी चिट्ठी? उसकी बेटी की होगी, वो 14 साल की है। रोनी की जिगर का टुकड़ा है वो। जब तक उसकी अपील मंजूर नहीं होती, उसने उसे कहीं दूर बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया है। सच, बच्चे ही जिंदगी में खुशियां लाते हैं। कहिए क्या चाहिए आपको? हमारी संस्था है साउथ हॉल ब्लैक सिस्टर्स। शायद किरण जी दालूवाला ने बताया होगा आपको मेरे बारे में। जी, तो बताइए क्या काम है मिसेज? मिस दलाल, चाहे तो राधा बुला सकती हैं। जैसा कि आप मेरे टेबल की हालत देख ही रही हैं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं कुछ डिस्कस। क्या किरण से भी आप यही कहेंगी जब वो पूछेगी कि आपने उसकी अपील की आखिरी तारीख क्यों मिस की? उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं अपील के लिए, वरना उसकी सजा बहाल रहेगी, और आप कह रही हैं कि आपके पास उसके लिए वक्त नहीं है? मिस दलाल, देखिए मैं आपसे साफ साफ बात करूंगी। मैंने आपकी संस्था की और आपके अपने काम के बारे में बहुत तारीफ सुन रखी है। आपका काम मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं आपके दफ्तर में ये बताने नहीं आऊंगी कि आपको अपना काम कैसे करना चाहिए। मैंने हफ्तों मेहनत की, कभी कभी पूरी रात की, कहीं कोई सुराग मिले, ऐसा सुराग जिससे मैं इस आरोप को गलत साबित कर सकूं। मैं उन सफेद पोश वकीलों में से नहीं हूं जो 1 घंटे का 500 पाउंड लेते हैं और क्लब में शैंपेन के जाम टकराते हैं, पर मैं कानून जानती हूं, और ईमानदारी से कहूं तो फैसला सही था एज अ मैटर ऑफ लॉ। आई एम सॉरी, उससे हमदर्दी मुझे भी है, मगर और कुछ नहीं किया जा सकता। अगर ये बात है तो हमें कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। शराब है? हाँ? तुम वाकई बड़ी सोनी हो। बहुत पी देती है। ना, जीना, कम आजा। नहीं दीपक, दीपक इतने नहीं, दीपक नहीं। किरण, रुड़े यार तू, सुन, किरण। रोनी है? कुछ नहीं,
मैंने दीपक के साथ बिताए, एक रात की खुशी मुझे नहीं मिली, वो मुझे पीटता था। कभी कभी तुम्हें रेप करता, तो तुमने उसे मार डाला, अच्छा किया। मैं पंजाब के एक गांव चाक कलार में पैदा हुई थी। नौ बच्चों में मैं सबसे छोटी थी और सबकी लाडली। मैं जब सिर्फ कुछ ही महीनों की थी, मेरे पिताजी गुजर गए। जब मैं 16 साल की हुई, मेरी माँ कैंसर से मर गई। वो चाहती थी मैं एक वकील बनूं। तो क्यों नहीं बनी? माई हस्बैंड डिड नॉट अलाउ। इट्स अ फ्री कंट्री किरण, तुम जो चाहो बन सकती हो। पर मेरी फैमिली ने कहा गेट मैरिड, बच्चे पैदा करो, एक आदर्श भारतीय नारी बनो। रेनबो ट्रिपल्स का हाँ, कुछ मेरी फैमिली जैसी, अगर उनकी चलती तो मैं बर्मिंघम में एक हाउसवाइफ होती। पर तुम यहाँ तो नहीं होती। कुछ जगह जेल से भी बदतर है। बिग वर्ड शोल्डर, बड़ा वर्ड गलत वर्ड। शोल्डर? हाँ शोल्डर, लेकिन इसमें चाहिए ये शोल्डर। यू? हाँ। आई नीड यू। यस यू नीड मी, डोंट वरी, मैं हूँ ना। Connie was fascinated. Fascinated? Fascinated. It was becoming unbearable. Unbearable. She had only one desire now. Her having bosoms. What? Having bosoms. Heaving? Heaving? What means? Heaving. Boo. Bosom. Agla. Hello, Vali. Agla. लूला, एक ही है? मनु फोन बिल के लिए 60 पाउंड चाहिए। 60 पाउंड? क्यों इतना ज्यादा? तुम ही फोन पर बात करती रहती हो अपने भाइयों से इंडिया। वो मेरी ब्लैक शर्ट देना, चल। मैं करता खर्चा किस तरह चलाऊंगी? तुम्हारे भाइयों से कहो पैसे भेजें प्यारी बहना के लिए। तुसे कितने जा रहे हो? अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। मैंनु पता है कि तुसे किन्नु मिलन जा रहे हो, थानू शर्म आनी चाहिए, मेरे दिल विच तुहाडा बच्चा है। हट जाओ सामने से,
आके हट जा। मैंने जान के नहीं किया। किरण, किरण, तुम ठीक हो? बच्चा ठीक है? बच्चा ठीक है ना? क्यों ऐसा करती है? जिससे मेरा दिमाग खराब हो जाए, गुस्सा आ जाए मुझे। किरण, I'm sorry किरण, माफ कर दे मुझे, sorry। ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी बच्चों को। It was very thoughtful of you. Thank you. वाह किरण, तुम इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोलने लगी हो। ये सब कमाल है रॉनी का। मैं चाहती थी कि तुम इससे मिलो। तो किरण की अपील के बारे में क्या हो रहा है? हमारे वकील ने बड़ी मुश्किल से अपील दर्ज की है, पर एक साल हो गया और अभी तक सुनवाई की तारीख ही नहीं पड़ी। कोई अच्छा बैरिस्टर है केस लड़ने? यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, कौन लड़ेगा पैसों के बिना? लॉर्ड फॉस्टर्स ऑफिस, यस प्लीज होल्ड। I said no interruptions. I'm sorry sir, मगर आपकी बहन लाइन पर है। ये तुम्हारे बच्चे हैं? बहुत प्यारे हैं। तुम्हारे बच्चे हैं? दो हैं, लड़कियां। उन्हें मिस करती हो ना? हर पल हर दिन। कितना काम पड़ा है, अभी तीन ब्लॉक से दो बंडल और आने वाले हैं। फटाफट हाथ पर चलाओ। कोई अंदाजा है हमें यहाँ क्यों बुलाया? नहीं, दो घंटे पहले नहीं जानता था, ना ही यहाँ आते हुए पता चला, और अब भी कोई आइडिया नहीं है। इसमें इतना भड़क क्यों रहे हो? मैंने तो सिर्फ पूछा। अच्छा नेकलेस है। टाई अच्छी है। लॉर्ड फॉस्टर अब आपसे मिलेंगे, आइए। आ, कम इन। हेलो। हेलो, मैं राधा। हाउ डू यू डू? गुप्ता। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। क्या लेना चाहेंगे, चाय कॉफी? नहीं नहीं, थैंक यू। हाँ, मैं एक कप चाय लूंगी। दो चाय प्लीज ग्लेंडा। वेल थैंक यू बोथ फॉर कमिंग। मैं जानता हूँ कि इस केस में वक्त ही बहुत अहमियत है, इसलिए मैं चाहता हूँ और हम सबके लिए अच्छा होगा मिस्टर गुप्ता कि सोलिसिटर की हैसियत से आप कानूनी कार्रवाई जारी रखें। मैं समझा नहीं। जाहिर है हमारी लॉ लाइब्रेरी आपके लिए खुली रहेगी और हमारा स्टाफ भी आपकी मदद करेगा। थैंक यू। थैंक यू। आई एम सॉरी मिस्टर फॉस्टर, हम लोग जरा कंफ्यूज्ड हैं। किस बारे में? यही कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। ओह आई सी, मैं माफी चाहूंगा, मैंने सोचा आपको मालूम होगा। मैं क्वींस काउंसिल की हैसियत से मिसेज अलूवालिया की अपील दर्ज करूंगा। व्हाट? मगर आप क्यों इस केस? मिस्टर फॉस्टर, आप जैसे बैरिस्टर को पेमेंट देने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं है। नहीं नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं, ये तो मैं बगैर फीस के करूंगा, एक फेवर समझिए। किस पे? मेरी बहन के लिए, वेरोनिका स्कॉट। आपके क्लाइंट के साथ मलवुड हॉल में उसकी जान पहचान है, सुना है वो दोनों जेलमेट हैं। व्हाट? उसके आप भाई हैं? सच मानिए तो उसका फोन आने पर मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि हम दोनों की आपस में कभी नहीं बनी। अपनी कानूनी परेशानियों में भी उसने मेरी मदद कभी नहीं ली। ये जाहिर है कि वो मिसेज आलूवालिया की बहुत ही करीबी दोस्त है। हाय। क्या? You're welcome. छोड़ो, अब सांस लेना मुश्किल है। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं उसके बारे में जल्दी आशा दूंगी आपको। एक मिनट ये देना।
जमीला, क्या बात है मैडम? इंग्लिश पढ़ना नहीं आता? आपको आता है? ये कोई ऐसा वैसा पोस्टर नहीं है, एक औरत की जिंदगी का सवाल है। पोस्टर नहीं लगाना मतलब नहीं लगाना। So sorry officer, हम इन्हें अभी निकाल फेंकेंगे। तो फिर जल्दी। तुम क्या पागल हो? हम नहीं हटाने वाले इसे। क्या मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या उल्लू बनाया उसे? लूला, क्या बात है? ग्लैडिस को कुछ हुआ? चलो तेरे को लगा अपुन को कुछ पता नहीं चलेगा है ना ग्लैडिस? शनि बनती है, अपुन को पता चल गया तूने क्या किया। अब क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है डोरीन? जाने दो इसे। देख ग्लैडिस, आ गए तेरे चमचे। क्या बोलती है बता दूं सबको? जब इन्हें पता चलेगा ना तूने क्या किया है तो तेरे थोबड़े पे थूकेंगे। ये सब क्या बकवास है? गार्ड बोल रहा था, मैं सब सुना। तभी तो हर वक्त गूंगी बन के रहती थी, लेकिन अब मैं तेरे को नहीं छोड़ेगी। नो, तेरे को बहुत दर्द हो रहा है, क्यों? अभी यहां से भाग जाने को तेरा भरता बना के रख दूंगी। जाने दो उसे। अब मेरे को लगता है कि इसके बदले में तेरे को मार खाने का शौक है। ऐसा क्यों रे? ये मेरी दोस्त है और दादागिरी से मुझे नफरत है। इसको दादागिरी से नफरत है। ओ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बताया नहीं, यहाँ पार्टी शार्टी हो रही है। अरे यार, मुझे भी बताया करो। तुझे मुझसे भी निपटना होगा डोरीन, और मुझसे भी। आजमाना चाहती है तो आजा। देख लूंगी। और तुम, मैंने ये जरूर कहा था कि अपने हक के लिए लड़ो, मगर यार इंसान और जानवर के बीच फर्क तो समझो। क्या हुआ क्लारिस? वो एक एक्सीडेंट था, उन लोग काफी ड्रिंक करती थी, और एक रात जब मैं खाना बना रही थी मेरी आंख लग गई। मैंने कुकर के ऊपर शायद टॉवल रख दिया, उसमें आग लग गई, मेरी लड़कियां ऊपर थी। एक पड़ोसी ने मुझे बाहर निकाला, वो ऊपर नहीं जा पाया और आग बढ़ गई। वो चिल्ला रही थी, मेरी मासूम बच्चियां चीखती चिल्लाती रही, छोड़ दो मुझे अकेला, छोड़ दो। ये नहीं होगा। पर क्या हुआ, तुम तो राजी थी। कार्तिक कल शर्मा दी है, इस तरह मैं दुनिया के आगे नंगी तो नहीं हो सकती। समझती हूँ किरण, पर सब लोग तुम्हारी कहानी जानना चाहते हैं, तुम्हारी जुबानी। मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है। तो फिर पंजाबी में लिखो और सब मैं देख लूंगी। कहूं तो क्या और कैसे? वैसे ही जैसे तुमने मुझे बताया, इससे दूसरी औरतों को भी हौसला मिलेगा। तुम ही सोचो, हॉल तक बुक हो चुका है, पर्चे भी जगह जगह बट चुके हैं, इस रैली से हम सबको मिलेगा पब्लिक सपोर्ट। तुम्हारी मर्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम्हारी आजादी? सर अपने बच्चों का तो सोचो। मेरे संस्कार मेरे खून में समा गए हैं, जो दौड़ रहा है मेरे शरीर के रग रग में।
मैं जिन संस्कारों में पैदा हुई, जिसमें पली बढ़ी, वहां औरत को घर की इज्जत मानते हैं। इस झूठे सम्मान, नाम, शोहरत, इज्जत, इनको बचाने की खातिर उसे खामोश रहकर जुल्म और जिल्लत सहना सिखाया जाता है। पूरे 10 साल तक मैं यूं ही अपमानित होती रही, सब कुछ सहती रही और किसी को पता भी नहीं चला। मैंने पति की जेल से निकलकर कानून की जेल में कदम रखा और यहीं आकर जिंदगी में पहली बार मुझे आजादी का एहसास हुआ। ये सो प्राउड ऑफ यू। जेम्स ओकॉनल, तुम कौन हो? अनिल गुप्ता, किरण अहलूवालिया का सॉलिसिटर। पियोगे? नहीं, मैं नहीं पीता। क्या चाहते हो? मैंने आपको रैली में देखा था। खैर, सीधे काम की बात करता हूँ। हम किरण की सजा के बारे में हाई कोर्ट में अपील करने वाले हैं। आपकी मदद की जरूरत है। क्या लगता है, कोई चांस है? सच कहूं तो बहुत कम। प्रिटी गर्ल, योर वाइफ? होने वाली थी पर अब नहीं। सॉरी, उसने मुझे ठुकरा दिया। पहले मैं इतना नहीं पीता था। सारा मुझे मजाक में कहा करती थी, तुम्हें तो शराब सूंघने से ही नशा होता है। मगर केस के बाद उसने मेरे बदलाव को महसूस किया। वो वजह नहीं जानती थी, लेकिन इतना जानती थी कि मुझे अंदर ही अंदर कुछ खाया जा रहा है। अब पहले की सुनवाई में आपके बयान में था कि आग लगने के बाद किरण अहलूवालिया सतर्क और अपने होश और हवास में थी, क्या यह सच है? झूठ कहा था उस दिन। वो होश और हवास में नहीं थी। उसे तो यह भी नहीं पता था कि वहां कौन था। मुझे अपना बयान देना था क्योंकि मैं वहां मौजूद था, लेकिन सच्चाई की जगह मैंने अपने करियर को अहमियत दी। सुना है जुर्म कबूलने से मन हल्का हो जाता है, क्या यह सच है? मेरे ख्याल से सुबह का भूला शाम को घर है तो भूला नहीं कहते। जोरिन तुम्हें इस ड्रेस में देखेगी तो तुमसे फौरन लिपट जाएगी। अगर वो मर्द होती तो फिर भी सोचती। मिस स्कॉट, चलो आप। कैसा है, अच्छी लग रही हूँ? हे, अगर अपील ना मिली तो कम से कम कोई आशिक तो मिल जाएगा। इतने जो पैसे दिए, आई होप कुछ फायदा होगा। हाँ, होना तो चाहिए। बस तुम मुझे बात करने दो, ठीक है? ओके। ये रहा। मैंने वो पेपर्स देखे हैं जो आपने भेजे थे। आपको क्या लगता है? सुनकर शायद आपको अच्छा ना लगे, मगर उसका बयान पूरी तरह इकबाल जुर्म है। जो उसने किया उसे वो मानती है और उसके साथ वही सुलूक होना चाहिए जो दूसरे खूनियों के साथ होता है। ये क्या बात हुई? आप तो जानते हैं कि कोई और बात भी तो होगी जिससे हमें मदद मिले। वैसे एक बात हो सकती है, जेल के साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट फिर से देखिए। उसने उसे वारदात के फौरन बाद देखा था, सुनवाई से पहले, और उसने लिखा है एंडोजेनस डिप्रेशन। तो क्या हमें उसे पागल करार देना होगा? ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, आपकी राय के लिए शुक्रिया। ये दुनिया है किस तरह की, जहाँ इंसाफ पाने के लिए औरत को पागल होना पड़ता है और मर्द के लिए सिर्फ गुस्सा होना बहुत है। मैं माफी चाहता हूँ डॉक्टर, थैंक यू अगेन, हमें अब जाना चाहिए।
रॉनी, देखो कितनी सारी चिट्ठियां। क्या हुआ? तुम तो जानती हो मुझे, जरा जरा सी बात पर मैं इमोशनल हो जाती हूं। तुम्हारी अपील? मेरा लॉयर कहता है इम्पॉसिबल है, मगर मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रखी थी। पता नहीं मैं उसे क्या कहूंगी। सब उसे कातिल की लड़की कह के बुलाते हैं और उसके अब तक 2 नहीं 3 झगड़े हो चुके हैं मेरी वजह से। तुम ही बताओ मैं किस तरह की मां हूं। यहां एवरेज। तुम कब से हंसी मजाक करने लगी? जिस दिन से मैं तुमसे मिली। लेकिन किरण की वकील ने प्रोवोकेशन की दलील क्यों नहीं रखी? क्योंकि उसके केस में ये लागू नहीं होता। हाँ, उस रात दीपक ने किरण पर हमला जरूर किया था, लेकिन किरण ने उसके पूरे 2 घंटे बाद उसका मर्डर किया। तो कानून उस 2 घंटे को कूलिंग डाउन पीरियड मानता है। दरअसल इस मामले में उनका ये कहना है कि किरण के पास ठंडे दिमाग से सोचने का काफी वक्त था, तो उसे प्रोवोक नहीं कह सकते, इसलिए ये मैनस्लॉटर नहीं मर्डर है। मगर वो खामोशी से 10 साल तक शारीरिक मानसिक फिर एक रात और सह ना पाए, और ज्यादा बर्दाश्त करने के बजाय फूट फूट पड़ा वो ज्वालामुखी। क्या इतना मुश्किल है ये समझना? ये बात तो वाकई ब्रिलियंट है। क्या? अपील के लिए हम इसे अपना मुद्दा बना सकते हैं। मतलब? यानी सबमिशन देते हुए जज ने जूरी को किरण पे हुए अत्याचार की दास्तान नहीं बताई, जिसे वो एक पीड़ित औरत साबित होती। हाँ। इसका मतलब जूरी को गुमराह किया गया था। तो तुम क्या कह रहे हो, हमारे पास एक मौका है? हाँ बिल्कुल, एक छोटा ही सही पर एक मौका है। रॉनी कहाँ है? जरा देर पहले उसे टॉयलेट के पास देखा था। क्यों? वो दिन भर दिखाई नहीं दी। रॉनी, ठीक है। ऐसा केस आज तक नहीं देखा मैंने। एक प्लास्टिक ब्लेड से खुदकुशी करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। ये किस्मत वाली है कि आप वक्त पर वहां पहुंच गईं। ये ठीक तो हो जाएंगी ना? इसके ठीक होने तक इसे वार्ड में ही रखा जाएगा कड़ी निगरानी पर, मगर हाँ बच जाएगी। शाबाश आलूवालिया, तुमने मुझे बहुत सी कागजी कार्रवाईयों से बचाया। मुझे पता नहीं अगर ये सही है। डरो मत, अच्छी दिखोगी। तुम अब पहली वाली किरण नहीं रही, ये तुम्हारी नई पहचान होगी, करके तो देखो। गुरुवार 30 जुलाई 1992। Thank you.
जाओ, दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या हो। जाओ 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 किरण। मैं बैंक से आ रहा हूं, पैसे कहाँ गए किरण? जवाब दो, क्या किया पैसों का? मैं खर्च किया। वो पैसे मेरे थे, तेरे बाप के नहीं। खर्च किया फूड फॉर योर सन्स। चलाते हैं तेरे इस खूबसूरत चेहरे को जिस पर इतना घमंड है। बकवास करती है, ये मेरा घर है, मेरे पैसे हैं। मैं दूसरी औरतों पे खर्च करूं, मेरी मर्जी। कुर्ती क्या जला दूं तेरी आंखें अभी? बोल, जला दूं इन्हें? अय्याशी करूं जो भी करूं, कौन रोकेगा मुझे? तू कौन से? क्या आप कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ माय लॉर्ड। प्रोसीड। माय लॉर्ड, आज हम आप सबके सामने अपने मुवक्किल की तरफ से एक अपील लेकर आए हैं। किरणजीत अहलूवालिया, जिन्हें ऑनरेबल कोर्ट ने खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई थी 7 दिसंबर 1989 को। हमारा यह मानना है माय लॉर्ड कि फैसला सुनाने में अदालत ने गलती की है, इसलिए हम नए ट्रायल की अपील करते हैं। तो जाहिर है कि आप अपने अपील के लिए कई आधार पेश करेंगे। मलोज, हमारी अपील के 3 मूल आधार हैं। मेरे पहले और दूसरे सबमिशंस का ताल्लुक ऑनरेबल जज की ओर से जूरी को दिए गए प्रोवोकेशन की परिभाषा से है। रजाइना वर्सेस डफी के केस में प्रोवोकेशन अल्फाज के मतलब को इस कोर्ट ने मंजूरी दी थी, और वो है प्रोवोकेशन is some act or series of acts which would cause in any reasonable person a sudden and temporary loss of self-control, rendering the accused so subject to passion as to make him or her for the moment not master of his or her own mind. My lord, main adalat ko yaad dila do, honorable judge ne maujooda case ke sunwai mein bhi jury ko hidayat dete waqt inhi alfazon ko हो बहु दोहराया था। यस माय लॉर्ड, ये सच है,
बहरहाल मेरा यह कहना है कि डफी के केस को मिसाल बनाकर ऑनरेबल जज से अगर साफ साफ कहूं तो गलती हुई। सोच समझ कर कहिए काउंसिल। माफ कीजिएगा माय लॉर्ड, इरादा कोर्ट का तोहीन करना नहीं था। बहरहाल ज्यूरी को सबमिशन देते वक्त ऑनरेबल जज ने कोर्ट को यह बताया था कि जिस वक्त मृतक के हाथों मेरे मुवक्किल पर अत्याचार हुआ और उसके बाद वो जुर्म जिसके लिए उसे सजा दी गई, इन दोनों घटनाओं के बीच 2 घंटे का वक्त था जिसे कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाता है, जिसे प्रोवोकेशन नहीं माना जाएगा। दूसरी ओर माय लॉर्ड, होमिसाइड एक्ट 1957 में लिखा है, वेयर देयर इज एविडेंस ऑन व्हिच द ज्यूरी कैन फाइंड द डिफेंडेंट वाज प्रोवोक्ड टू लूज हिज सेल्फ कंट्रोल, द क्वेश्चन ऑफ वेदर इट वाज एनफ टू मेक अ रीजनेबल पर्सन डू एज दे डिड शैल बी लेफ्ट टू द ज्यूरी। बहस में यह भी कहा जा सकता है माय लॉर्ड कि ऑनरेबल जज की राय में किसी को सोते में जिंदा जला देना एक संतुलित या समझदार इंसान के लिए सही नहीं हो सकता। सही माय लॉर्ड? किसके लिए? आपके लिए? मेरे लिए? एक ऐसी औरत के लिए जो 10 साल तक मारपीट, अत्याचार और बेइज्जती का शिकार होती रही, जिस औरत को न सिर्फ अपनी जिंदगी का खौफ था बल्कि अपने मासूम बच्चों की जिंदगी का भी। मैं खुद इस बात को जानने की हिम्मत क्या जरूरत नहीं कर पाऊंगा कि आखिर सही का मतलब ऑनरेबल कोर्ट के लिए क्या है ऐसी औरत के लिए। मेरा दूसरा सबमिशन माय लॉर्ड्स ऑनरेबल जज के उस तरीके से मुखातिब है जिस तरीके से उन्होंने आरोपी के लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को जाहिर किया है। यह मेरा मानना है माय लॉर्ड्स, ये जिस मानसिक स्थिति में थी उसे कहते हैं बैटर्ड वुमन सिंड्रोम, और लगातार अत्याचार ने उसकी शख्सियत पर इतना असर डाला कि उसकी दशा एक लर्न्ड हेल्पलेसनेस की हो गई, जिस दशा को साइकाइट्रिस्ट इस नाम से जानते हैं। तो आपका मानना है कि जज को इसे लिस्ट में शामिल करना चाहिए था? माय लॉर्ड्स, कम से कम पूरी लिस्ट ज्यूरी के सामने पेश करनी चाहिए थी ताकि वो अपनी राय से पहले केस को समझ सके। आखिर में मेरे तीसरे सबमिशन का ताल्लुक डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी घटी हुई जिम्मेदारी के आधार पर है। माय लॉर्ड, हम पुलिस कांस्टेबल जेम्स ओकॉनल का बयान पेश करते हैं जिसमें कहा है कि आरोपी ना तो सतर्क थी और ना ही अपने होशो हवास में थी जब वारदात के फौरन बाद उन्होंने आरोपी से पूछताछ की। साथ ही माय लॉर्ड, साइकियाट्रिस्ट रिपोर्ट्स भी हैं जो अभी हाल में मिली हैं, जिनमें यह राय जाहिर की गई है कि उस रात हादसे के वक्त आरोपी की मानसिक क्षमता कम हो गई थी, जिसका मतलब है डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि होमिसाइड एक्ट 1957 के दायरे में है। माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट 2 बड़ी नाइंसाफियां झेल चुकी है, पहली उस इंसान के हाथों जिसने उसे शादी में प्यार और इज्जत देने का वादा किया था, और दूसरा हमारे कानूनी तरीकों के तहत हालांकि पहली को सुधारना अब मुमकिन नहीं है मगर हमारी अपील मंजूर कर लेने पर आप दूसरी नाइंसाफी को सुधारने में हमारी मदद कर सकते हैं। हम इन दलीलों पर आज रात गौर करेंगे। अदालत कल सुबह के 10:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। One more, please. यार बस करो, बहुत पी लिया तुमने। तो ये किस खुशी में मिस्टर सॉलिसिटर, कल की जीत के लिए या मेरे हारते आदर्श के लिए? ऐसी बह की बातें क्यों करती हो, ये तुम्हारा ज्यादा मामला नहीं है। है ये मेरे लिए। क्या? मेरी बहन। क्यों नहीं समझ सकी मैं, उसके चोट के निशान जब भी मैं देखती थी तो अक्सर यही कहती कि वो फर्नीचर से टकरा गई नींद में, और उसे मैं सच मानती थी। वो शैतान मेरी बहन को बेरहमी से पीटता रहा पूरे 6 सालों तक, और मुझे पता ही नहीं चला। फिर एक दिन उसने खुदकुशी कर ली और मैं कुछ न कर सकी, कुछ नहीं, उसे नहीं बचा सकी। दादा, I'm so sorry. ये मैं नहीं जानता था। Two sisters. Two sisters. Thank you.
शुक्रवार 31 जुलाई 1992। ये एक ऐसा दर्दनाक केस है जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई है। अपील के 3 आधार उठाए गए। पहले 2 का ताल्लुक ऑनरेबल जज की ओर से जूरी को दिए गए निर्देशों से है, जो प्रोवोकेशन के बारे में है। हमारी राय के मुताबिक जूरी को दिए गए निर्देश कानूनन सही थे। और अब जो तीसरा आधार है अपील का, डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे यह जाहिर होता है कि आरोपी के वकील का दावा मजबूत है। हम लोगों के सामने एक रिपोर्ट है जो सुनवाई से पहले कोर्ट को मिल चुकी थी, जिसमें एक डॉक्टर ने अपनी राय जाहिर की है कि हादसे के वक्त आरोपी एक ऐसी दिमागी कैफियत की शिकार थी जिसे इंडोजिनस डिप्रेशन कहते हैं। इससे यह साफ नहीं होता है कि इतने अहम दस्तावेज को ऑनरेबल कोर्ट ने कैसे नजरअंदाज किया। इन हालात में हम उस फैसले को सही नहीं मान सकते, और उसी के तहत हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोबारा इस केस की सुनवाई हो। दोबारा सुनवाई की नौबत ही नहीं आई। हालांकि पति को जलाने वाली औरत को कानून माफ तो नहीं कर सकता था, लेकिन 25 सितंबर 1992 को उस पर लगाए हुए आरोप को मर्डर से मैनस्लॉटर में बदलकर उसकी सजा की मुद्दत को कम कर दिया गया और उसके जेल में बिताए हुए 3 साल 4 महीनों को पूरी मियाद मानकर उसे रिहा कर दिया गया। किरण, आप कुछ कहना चाहेंगी? बोलो किरण। थैंक यू इस हौसले के लिए। जिंदगी खामोशी से जुल्म सहने का नाम नहीं। ऐसे रिश्ते में कोई चाह, कोई सुकून नहीं जो जिल्लत से भरा हो। ये फर्ज है हर एक माँ का कि वो औरत की इज्जत और प्यार करना सिखाएं अपने बेटों को, ना कि हिंसा और नफरत। तभी अंत होगा इस दर्द और अपमान का। मेरी कहानी तो इस समस्या का एक अंश है। मेरी अहमियत ना सही, मगर इस मुद्दे की है। प्लीज ये ना भूलें, ऐसी हैं कई बहनें जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इस जगह में अपनी जिंदगी के अनमोल पलों को बिताना कैसा लगता होगा। मगर किरण के लिए मलवुड हॉल एक जेल कभी था ही नहीं, ये उसकी आजादी की ओर पहला कदम था। राजीव, अपने बटन तो लगाओ। टेक केयर, चलो। रजीना वर्सेस अलुवालिया एक ऐसा यादगार कोर्ट केस बन गया जिसने हमेशा के लिए ब्रिटेन के कानून प्रोवोकेशन डिफेंस बदल कर रख दी, जिसने बैटर वुमन सिंड्रोम वाली मानसिक स्थिति को कानूनी दर्जा दिया उन आरोपियों के अनुरूप जिन्होंने अपने पतियों के हाथों लंबे अरसे तक शारीरिक अत्याचार सहा हो। सन 2001 में किरणजीत अलुवालिया को प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की पत्नी जेरी बूथ ने उनके साहस और हिम्मत के लिए एशियन वुमन रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित किया। सांसें सिसकियां बन जाए क्यों?
करना।